वेलकम टू आवर चैनल ब्रोकन कोड्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर करेंगे। हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड, मौर्य वंश व कुणिंद वंश। कुणिंद और कुलिंद ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग रिसोर्सेज में कहीं पर इसे कुणिंद कहा गया है, कहीं पर कुणिंद कहा गया है और कहीं पर कुलिंद कहा गया है। डोंट बी कन्फ्यूज इन कुणिंद, कुणिंद एंड कुलिंद। तो अब स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश व कुणिंद वंश के बारे में। कुणिंद उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। कालसी नामक स्थान से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत व यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। कालसी से प्राप्त अशोककालीन शिलालेख से यह पता चलता है कि प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्य काल के मौर्य शासकों के अधीन थे और यह क्षेत्र मौर्य वंश के अधीन था। और ये है वो जहाँ पर को मौर्यकालीन शिलालेख रखे हुए हैं और ये अशोक, सम्राट अशोक के टाइम के शिलालेख यहाँ पर हैं। और ये है वो शिलालेख जिस पर प्राकृत भाषा में कुछ राजाज्ञाएं लिखी हुई हैं। मगध के मौर्य वंशी सम्राट अशोक, जो कि 273 बीसी से 232 बीसी तक रहे, ने अपनी 14 राजाज्ञाओं को इस शिलालेख पर उत्कीर्ण करवाया। और ये है वो राजाज्ञाएं इसमें लिखी हुई हैं। ये है वो शिलालेख जो वहाँ की प्रजा को फॉलो करनी थी, जिसे जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 में प्रकाश में लाया गया। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का संग्रह है, जिसमें अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। सम्राट अशोक ने इस राजाज्ञा में नैतिक तथा मानवीय सिद्धांतों का वर्णन किया है। जीव हत्या निषेध, जन साधारण के लिए चिकित्सा, कुएं खुदवाना, वृक्ष लगवाना, धर्म का प्रचार करना, माता पिता तथा गुरु का सम्मान करना, सहनशीलता तथा दयालुता आदि श्रेष्ठ मूल्यों का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। तो इस शिलालेखों में इन सभी निर्देशों को इसमें उत्कीर्ण कराया हुआ है, जिनको यहाँ की प्रजा को फॉलो करना है। लेख के अंत में 5 यवन राजाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टॉलमी जो कि ग्रीस के थे, ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, ने बताया कि कुणिंद लोग 200 बीसी के आसपास व्यास, गंगा व यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्रों तक फैले हुए थे। अमोघपूति, जो कि कुणिंद वंश का एक शक्तिशाली राजा था, इस समय रजत यानी कि सिल्वर व ताम्र और कॉपर की मुद्राएं प्रचलन में थी कुणिंद वंश के समय। अल्मोड़ा से प्राप्त कुणिंद मुद्राओं पर आशेक, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त व अन्य राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं। 1 बीसी में अमोघपूति की मृत्यु के बाद शकों ने कुणिंदों के मैदानी क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। तो कुणिंदों के कब्जे में उस समय पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र थे, और 1 बीसी में जब अमोघपूति की मृत्यु हुई तो शकों ने कुणिंदों को हराकर उनके मैदानी क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन, शक संवत जिसपे एक कैलेंडर है, वह सूर्य मंदिरों और मूर्तियां यहां पर शकों का राज क्षेत्र होने की पुष्टि करता है। तो शकों ने ही यहां पर को सबसे पहले सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया, तो इससे पता चलता है कि यहां पर को शकों का राज हुआ करता था। अल्मोड़ा स्थित कटारमल का सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। शकों के बाद 1st सेंचुरी में राज्य के तराई वाले भागों में कुषाणों ने अपना अधिकार कर लिया। वो तराई वाले भाग थे जिन्हें उस समय वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण कहा जाता था, जो आज के समय में गोविषाण से काशीपुर, वीरभद्र से ऋषिकेश और मोरध्वज कोटद्वार के पास एक जगह है। तो वहां पर काफी मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं, जिससे कि ये क्षेत्र कुषाणों के अधीन थे। कुषाणों के पतन के समय यहाँ यौधेय शासक आए, जिन्होंने कुणिंदों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झौंसार बाबर क्षेत्र, कालो का डांडा जिसे आज लैंसडाउन कहते हैं, जो कि पौड़ी जिले में है, से प्राप्त मुद्राओं से इस क्षेत्र में यौधेय शासकों के अधिकार की पुष्टि होती है। पुरावशेषों में 3 यज्ञ वेदिका जहाँ पर को यज्ञ होते थे, बाड़वाला, जगतग्राम, देहरादून तथा उनमें संबंधित सामग्री जिसमें अभिलिखित ईंटें प्रमुख हैं। संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में अभिलिखित ईंटों से ज्ञात होता है कि राजा शीलवर्मन द्वारा यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया गया। तो जहाँ पर को बाड़वाला जो जगतग्राम जगह है देहरादून में, यहाँ पर को यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, और ये यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण राजा शीलवर्मन ने कराया था अश्व यज्ञ कराने के लिए। 3rd सेंचुरी में मध्य हिमालय का पश्चिमी भाग युगशैल के नाम से जाना जाता था। संपूर्ण भारत के संदर्भ में इस प्रकार की वेदिकाएं, ये हैं वो वेदिकाएं जो जगतग्राम में मिली हैं। ये वेदिकाएं बहुत ही दुर्लभ हैं। कुणिंद राजाओं ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग को मिलाकर एक नया राज्य स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने कृतपुर रखा। प्रयाग प्रशिष्टि में कृतपुर राज्य गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधीन राज्य बताया गया है। प्रयाग प्रशिष्टि गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक लेख था।
फिफ्थ सेंचुरी में उत्तरी भाग पर नागों ने कृतपुर के कुनिंदों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो नागों ने क्या किया कि कुनिंद पहले ही कुषाणों से अपना तराई वाला भाग हार चुके थे, तो नागों ने क्या किया, उनके जो पर्वतीय भाग थे उन पर भी उनको हरा करके, कुनिंदों को हरा करके नागों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो एक सेंचुरी के बाद फिफ्थ सेंचुरी में नागों ने वहां पर कब्जा किया। उसके बाद ठीक 100 साल बाद सिक्स सेंचुरी में कन्नौज के मौखरी वंश ने नागों को हराकर उत्तराखंड को अपने अधीन कर लिया। मौखरी वंश के अंतिम शासक जो कि थे ग्रह वर्मा, उनकी मृत्यु के बाद मौखरी वंश ग्रह वर्मा के बहनोई ब्रदर इन लॉ हर्षवर्धन के अधीन हो गया। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। तो हर्षचरित क्या है, एक जीवनी है जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय ब्रह्मपुर आया, ब्रह्मपुर आज का उत्तराखंड है, और उसने ब्रह्मपुर को पोली ही मोपुलो कहा। ब्रह्मपुर हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर में 5 बौद्ध विहार होने की पुष्टि की। ह्वेनसांग ने भागीरथी नदी के किनारे बसे हरिद्वार नगर के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने ये बताया कि ये हरिद्वार जो नगर है ये 20 ली 5 किलोमीटर के घेरे में है। तो ली एक चाइनीज मेजरमेंट की यूनिट है और एक ली 500 मीटर के बराबर या 0.5 किलोमीटर के बराबर होता है। इतिहासकार कनिंघम आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले पूरे भूभाग को ब्रह्मपुर मानते थे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुराजकता का युग और कत्यूरी वंश। तो उससे पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फ्रॉम हिस्टोरिक पीरियड ऑफ उत्तराखंड। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त शिलालेखों में उत्तराखंड को अपरांत कहा गया है? तो सम्राट अशोक के टाइम के प्राप्त शिलालेखों में उत्तराखंड को अपरांत कहा गया है और ये शिलालेख मिले हैं कालसी देहरादून से। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम्राट अशोक द्वारा शिलालेख पर उत्कीर्ण 14 राजाज्ञाओं को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? ई गार्डनर सन, हेनरी रैमजे, जॉन फॉरेस्ट, जीडब्ल्यू ट्रेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 ईस्वी में इनको प्रकाश में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालसी से प्राप्त अभिलेखों में किस धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। कालसी से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी सम्राट अशोक के टाइम के हैं और उनमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उनके सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। तो और ये हैं गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे। कालसी से प्राप्त अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? कालसी से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा की लिपि थी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस विद्वान ने यह बताया कि कुनिंद लोग गंगा, व्यास व यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे? ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, टॉलमी ने, और टॉलमी ग्रीस के रहने वाले थे और इनका प्रोफेशन था ज्योग्राफर, ये एक ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमोघभूति किस वंश का राजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुनिंद वंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतर सूर्य मंदिरों का निर्माण किस वंश के लोगों ने करवाया? तो अधिकतर सूर्य मंदिरों का निर्माण यहाँ पर कराया था ऑप्शन नंबर बी, शक वंश के लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं? तो कुषाण कालीन अवशेष मिलते हैं ऋषिकेश से भी, मोरध्वज से भी, काशीपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे मैदानी क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्रों में कुषाणों ने कुनिंदों को हराकर इनके मैदानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर इनके सारे अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस क्षेत्र को कालों का डंडा नाम से जाना जाता है? तो कालों का डंडा आज का है लैंसडाउन, तो ऑप्शन नंबर बी, लैंसडाउन इज करेक्ट। तो यहाँ पर कालो का डांडा में कालो का मीनिंग होता है ब्लैक और डांडो का मतलब यानी कि डाना भी इसे कहते हैं, इसे बोला जाता है हिल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, देहरादून में बाड़वाला जगतग्राम नामक स्थान पर यज्ञ वेदिका का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था जो अश्वमेध यज्ञ के लिए प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा शीलवर्मन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा भाग कुनिंद राजाओं द्वारा स्थापित राज्य कृतपुर में नहीं आता था? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहिलखंड का उत्तरी भाग और रोहिलखंड का दक्षिणी भाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोहिलखंड का दक्षिणी भाग। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयाग प्रशिष्टि नामक लेख के रचयिता कौन है? तो प्रयाग प्रशिष्टि से अभी कनिष्ठ सहायक में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रयाग प्रशिष्टि किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशिष्टि नामक लेख के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में उनके राज दरबार में कवि के पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6वीं सदी में नागों को हराकर उत्तराखंड में अपना आधिपत्य स्थापित करने वाला मौखरी वंश मूलतः कहां का था? तो ये थे कन्नौज के, ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्षचरित को जो कि सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो हर्षचरित की रचना की गई है ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ह्वेनसांग ने
ब्रह्मपुर राज्य में कितने बौद्ध विहार होने की पुष्टि की है? तो ह्वेनसांग ने, जो कि एक चीनी यात्री थे, इन्होंने 5 बौद्ध विहार होने की पुष्टि किया। तो ऑप्शन नंबर सी 5 इज करेक्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्लिक कीप स्टडिंग।